अध्यक्ष महोदय, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बदली नहीं है, चाहे सरकार बदली हो या ना बदली हो, हालत वही है, सच्चाई ये है, इस बात को लोगों को यकीन करना चाहिए। हालत ये महाराष्ट्र में है कि रोजाना नेताओं को धमकी आ रही है, मुझे रोज धमकी आती है, छगन भुजबल साहब को धमकी आ गई थी, आदरणीय पवार साहब इतने बड़े नेता, उनको भी धमकी आई थी। और फिल्म बनना चाहिए, ये अभी जो यहाँ हुआ है ना, ये कौन से स्टेट में अभी जो हुआ, ये मणिपुर में, तैयार रहिए। प्रधानमंत्री साहब से कहना चाहता हूं कि आपने फिल्म का प्रमोशन किया था। अध्यक्ष महोदय, चाहे विपक्ष हो चाहे सत्ता पक्ष हो, हर पक्ष जब विपक्ष वाले सत्ता पक्ष में रहते हैं तो अपनी तारीफ करते हैं, जब सत्ता पक्ष विपक्ष में आते हैं तो अपनी तारीफ करते हैं। अध्यक्ष महोदय, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बदली नहीं है, चाहे सरकार बदली हो या ना बदली हो, हालत वही है, सच्चाई ये है, इस बात को लोगों को यकीन करना चाहिए। जनता हंसती है कि ये लोग हाउस के अंदर बैठ के अपने मुंह अपनी बड़ाई करते रहते हैं। अध्यक्ष महोदय, आज हालत ये महाराष्ट्र में है कि रोजाना नेताओं को धमकी आ रही है, मुझे रोज धमकी आती है, छगन भुजबल साहब को धमकी आ गई थी, आदरणीय पवार साहब इतने बड़े नेता, उनको भी धमकी आई थी। अध्यक्ष महोदय, इस तरह से कोई लोगों के अंदर डर नाम की कोई चीज ही नहीं, कानून क्या है कुछ नहीं समझते, जो चाह कर दिया उन्होंने इस तरह। अध्यक्ष महोदय, मैं देख रहा हूं कि जो लोग कानून के रखवाले हैं वही कानून का मजाक उड़ा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, आपने इसके पहले, अध्यक्ष महोदय, जब मालेगांव का ब्लास्ट हुआ था तो रोहिणी सालियान जो सरकारी वकील है उनका एक स्टेटमेंट आया था। रोहिणी सालियान मतलब कि जज के पास वकील, जो ये सरकारी वकील होते हैं वही गवाह पेश करते हैं, वही एविडेंस पेश करते हैं, और उनका बयान आया कि मुझे ऊपर से दबाव है कि मालेगांव के ब्लास्ट के मुजरिमों के साथ जो नरमी बरतो। अरे क्या मजाक है, नरे अब सुनिए ना, बात कभी की भी है, वही हालत चल रही है आज भी, वो केस खत्म नहीं हुआ, सुनिए सर। और उसके बाद सुनिए सर, उसके बाद एटीएस ने जो करकरे साहब ने इंक्वायरी किया था, एटीएस ने उन सारे गवाह, अभी केस चल रहा खत्म नहीं हुआ, एटीएस ने उन सारे गवाहों को लाकर 164 का बयान। अध्यक्ष महोदय, मुझे जो संरक्षण दीजिए, क्यों ये शोर कर रहे हैं, सुनिए सच्चाई। 164 का बयान एटीएस ने मजिस्ट्रेट के सामने करा दिया। जब एक बार बयान हो गया ना तो वो पत्थर की लकीर हो गई, बयान बदल नहीं सकती। अब एनआईए आ गई इसमें बीच में, अब देखिए जरा, उसमें साध्वी प्रज्ञा सिंह, पुरोहित, पांडे, ये लोग मुजरिम है उसके अंदर। और जब ये आ गया, अब आ गई ये एनआईए, एनआईए ने फिर बुलाया। ये महाराष्ट्र की पुलिस का अपमान है, कोर्ट में 164 का बयान होने के बाद दोबारा बयान हो रहा है। और क्या कह रही है, क्या कह रहे हैं गवाह लोग जिन्होंने 164 का बयान दिया था, वो कहते हैं मुझे बंदूक लगा करके बयान दिलवाया गया था। यानी मतलब कि महाराष्ट्र की पुलिस ने जबरदस्ती बयान दिलाया था, और अब ये तैयारी है कि इन 35 गवाहों को होस्टाइल करने के बाद ये जो है साध्वी प्रज्ञा सिंह, पुरोहित, पांडे सबको छोड़ देना है। जिस तरह से गुजरात में जो हुआ है, एक बलात्कारी को जिस तरह से छोड़ दिया गया है, मैं समझता हूं कि यह शर्म की बात है, यह बिल्कुल से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब है। मैं अभी यहां गिनाने शुरू कर दूं। अध्यक्ष महोदय, अभी हमारे साथी भाषण कर रहे थे, मार्च 2023 अभी तो गया है ना, 5610 लापता होते हैं महिलाएं अब औरतें हैं। और केरल का बहुत बड़ी एक फिल्म बनी थी केरल की, इतनी हजार औरतें चली गई, जब उस पर इंक्वायरी हुई बोलो नहीं, 3 औरतें गई वहां पे। और क्या हुआ, अभी तैयार रहिए, अभी और फिल्म बनना चाहिए। ये अभी जो यहाँ हुआ है ना, ये कौन से स्टेट में अभी जो हुआ, ये मणिपुर में, तैयार रहिए। प्रधानमंत्री साहब से कहना चाहता हूं कि आपने फिल्म का प्रमोशन किया था, कश्मीर फाइल झूठ पे मुंडी है, झूठ पर, बिल्कुल कश्मीर में वो सब नहीं हुआ। कश्मीर की आरटीआई आई हुई है, आरटीआई जम्मू एंड कश्मीर की पुलिस ने आरटीआई दिया हुआ है कि 30 सालों में सिर्फ और सिर्फ 89 पंडितों को शहीद किया गया है, बाकी सारे मुसलमान 700-800 मारे गए। ये झूठ के ऊपर हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत खराब है। अध्यक्ष महोदय, महिलाओं के लिए कानून बनाना है। एक मिनट, आजमी साहब, हर का मुद्दा है,
अरे क्यों चिल्लाते हो, क्यों चिल्लाते हो? सदस्य अबू आजमी यानी बोलता ना सिर्फ 89 मतलब अध्यक्ष महोदय, सिर्फ 89 अध्यक्ष महोदय, सिर्फ 89 कश्मीरी पंडित असा उल्लेख केला अध्यक्ष महोदय, ही बाब योग्य नाही अध्यक्ष महोदय। हे सिर्फ शब्द कसा लावला अध्यक्ष महोदय यांनी, शब्द परत घ्यावा अध्यक्ष महोदय, हे रेकॉर्ड वरून काढून टाकावा अध्यक्ष महोदय। आजमी साहेब कंक्लूड करा, चिल्लाने की क्या बात है, कंक्लूड करा सर, इसमें शोर करने की क्या बात है, इसमें ऑब्जेक्शन क्या है? कंक्लूड कीजिए आप। मेरी इच्छा अध्यक्ष महोदय, धर्म के खिलाफ जो बोलने से हो रहा है, धार्मिक नेताओं लीडरों के बारे में, मजहबी लीडरों के बारे में, देवी देवताओं के बारे में, बड़े बड़े लीडरों के बारे में बोलने से देश का महाराष्ट्र का लैंड ऑर्डर बर्बाद हो रहा है। मेरी मांग है सर 153 ए नहीं बल्कि एक ऐसा कानून बनाया जाए जो नो बेलेबल हो। अध्यक्ष महोदय उसमें बेल नहीं होना चाहिए, ये पूरा का पूरा माहौल महाराष्ट्र का खराब हो रहा है। हेट स्पीच के ऊपर ऐसा कानून बनाया जाए जो आतंकवाद का कानून होता है, उनकी जमानत भी होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन संभाल के रखना है तो सबसे पहले ये कानून बनाया जाए कि हेट स्पीच के खिलाफ बहुत जबरदस्त तरीके से कानून हो। और ये जो टीवी वाला है सर, आरएसएस का टीवी चौहान, उसका चौहान, उसके ऊपर 1800 FIR है, 1845 से बोला। अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य अबू आजमी हे बोललेले की फक्त 89 हिंदू पंडित त्यांची हत्या झाली आहे, एक माणूस एक व्यक्ती जरी गेली तरी ती तेवढीच महत्वाची असते, त्यामुळे त्यांचे उद्गार हे काढून टाका। फक्त 89 म्हणजे काय? आणि त्या तुमच्या माध्यमातून त्यांना विचारतोय मी, पहिलं हे म्हणा, या सदनामध्ये भाषण करण्याच्या आधी वंदे मातरम म्हणणार की नाही हे आधी सांगा आणि मग बोला। आणि आरएसएसचा उल्लेख काय करता तिकडे? आम्ही साहेब कंक्लूड करा, तुम्ही चला कंक्लूड करा, कळलं की नाही? अध्यक्ष महोदय, अगर मुझे कोर्ट कहेगा, अगर मुझे कोर्ट कहेगा, मुझे संविधान कहेगा, तो मैं सब कुछ कहने को तैयार हूँ। सन्माननीय संविधान कहता है कि तुम्हें कोई जबरदस्ती कोई इस तरह से नहीं बुला सकता। अध्यक्ष महोदय, मैं इस देश के लिए जान देने को तैयार हूँ। मैं कहता हूँ भारत माता की जय।